हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त उपेंद्र सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी मंत्रम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के बीच जो वैकेंसी निकाली गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स में मैं बात करूँगा। और इसमें जो है इंजीनियर के पोस्टों पर जो आवेदन यहाँ पे किया जाएगा, और BSc, BTEC और बैचलर इंजीनियरिंग जो है इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सरकारी नौकरी है, आपका मिनिमम सैलरी जो है आपका 50,000, 40,000 और 30,000 रुपये आप लोगों का रखा जाएगा। आइए बात करते हैं। बेल रिक्रूटमेंट 2020, ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और पोस्ट नेम जो होगा वो आपका है परियोजना इंजीनियर, इंजीनियर और ट्रेनिंग इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 76 पोस्ट हैं इसमें, और पे स्केल जो है 50,000 रुपये है। क्वालिफिकेशन बी और बीटेक और BSc मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 ईयर के बीच में होनी चाहिए। अप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC के लिए 200 रुपये, और SC ST के लिए जो कोई फीस नहीं यहाँ पे लगेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरव्यू बेस्ड जो है ये वैकेंसी है, और अप्लाई आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे 17 अगस्त 2020 को जो है इसकी फॉर्म की जो है लास्ट डेट है। आइए बात करते हैं एक एक करके संपूर्ण डिटेल्स में। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे हम सबसे पहले आप करियर ऑप्शन में यहाँ पे चले आएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे हम करियर ऑप्शन में जो रिक्रूटमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट का जो ऑप्शन है इस पर आपके क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं, जिसकी एक की जो है 2 अगस्त 2020 को, और सेकेंड जो वैकेंसी है उसकी भी 2 अगस्त 2020 को इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है इसमें जो है गाजियाबाद यूनिट के लिए, वो 17 अगस्त 2020 को इसकी लास्ट डेट है। एक एक करके सभी डिटेल्स में बात करेंगे इस वैकेंसीज की। और ये जो है आपका डिफेंस सिस्टम नेवी ADSN SBU यूनिट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सेकेंड जो वैकेंसी है वो आपका ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए है, के फोन प्रोजेक्ट मिसाइल सिस्टम के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। आइए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस ये जो वैकेंसी है आपकी बेंगलुरु यूनिट के लिए जो निकाली गई है वैकेंसी उसके बारे में। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट 5 पदों के लिए आवेदन होगा। एज लिमिट की बात करें तो 25 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस आपका 1 साल का यहाँ पे मांगा गया है। BTEC जो है इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे मांगी गई है। और नेक्स्ट जो वैकेंसी है इसमें यहाँ पे आवेदन शुल्क जो है 200 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं। और नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आपका ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के जो पद पे वैकेंसी निकाली गई, मुंबई और बेंगलुरु की जॉब लोकेशन होगी। और यहाँ पे जो है ट्रेनिंग पदों के लिए जो है आपको 25,000 रुपये, 28,000 रुपये और 31,000 रुपये, यानी 3 साल का अगर ये एग्रीमेंट होगा तो इसमें जो है आपको 25,000 रुपये फर्स्ट जो है ईयर्स की सैलरी होगी, और 28,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे सेकेंड ईयर की, और थर्ड ईयर की जो है 31,000 रुपये यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 35,000 रुपये और 40,000, 45,000, 50,000 रुपये जो है आपका, और ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। और अप्लाई कैसे करना है आपको, ऑनलाइन जो है आपको अप्लाई करना है। 2 अगस्त जो है इसकी जो है लास्ट डेट है। इसमें ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 200 रुपये यहाँ पे अप्लीकेशन फीस है, और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 500 रुपये अप्लीकेशन फीस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो निकाली गई है आपकी जो है परियोजना अभियंता की जो पद है कंप्यूटर विज्ञान और ECE में जो वैकेंसी निकाली गई है। उसमें जो है आपका न्यूनतम वर्ष 2 वर्ष का जो है औद्योगिक कार्य इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। 28 वर्ष इसकी भी एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट बात करें इसमें BTEC और BSc जो है इंजीनियरिंग में मांगा गया है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में।
35,000 रुपये इसमें सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। और नेक्स्ट जो यहाँ पे डिटेल्स है वो आपका ₹500 इसमें जो एप्लीकेशन फीस लगेगा, और इसमें जो है आपको हार्ड कॉपी जो है सेंड करना होगा, और इसमें जो है आपको 17 अगस्त 2020 तक इसके जो है फॉर्म को सबमिट कर देना है, और हार्ड कॉपी आपको वहाँ पे सेंड करना होगा। और इंटरव्यू के लिए आपको जो है वीडियो बेस्ड इंटरव्यू होगा आपको, और बाद में आपको बता दिया जाएगा, और जैसे ही इसकी अपडेट आती है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए अभी तक आप हमारे चैनल सरकारी मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।